Assalamualaikum. चैनल जायका दिल्ली छमा. आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी दालचा. लौकी दालचा भी कहते हैं इसको, और दूधी वाला दालचा भी कह सकते हैं, दूधी कहते हैं इस कद्दू को. तो सबसे पहले हमने ली है ये अरहर की दाल, क्वार्टर कप है. इसको सांबर दाल भी कहते हैं. क्वार्टर कप ही हमने चने की दाल ली है. 1/4 कप हमने ये मूंग की धुली हुई दाल ली है. तो सबसे पहले हम इसको भिगो के छोड़ देते हैं. ये आधे घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है दालों को, तो ये सब दाल हम इसके अंदर डाल देते हैं. ये पूरी दाल अभी, ये वाली भी पोंछ कर डालेंगे. अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं पुदीना के पत्ते, थोड़े से आधी मुट्ठी कह सकते हैं, और जितना पुदीना है उससे दुगना या तिगना हम इसमें डाल देते हैं. ये हरा धनिया थोड़ा मोटा मोटा कट करें आप इसको. मीडियम साइज की प्याज है जिसको इस तरह से कट कर लिया है. 1.5 टमाटर है, इसको भी इस तरीके से स्लाइस कर लें और इसमें डाल लें. और अभी हम इसमें डाल देते हैं 1/4 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon नमक, जितने दाल है उससे 3 गुना पानी डाल दें आप. पूरा 1 liter पानी डाल दिया है हमने. अभी इसकी लिड से हम इसको कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसमें लगाते हैं हम 4 सीटी. 4 सीटी के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इसकी स्टीम में छोड़ देंगे. दाल गल रही है, वो प्रेशर में है. इतना हम क्या करते हैं, ये 3 tablespoon कुकिंग ऑयल ले लिया है, 2 साबुत लाल मिर्च है, 2 ही लौंग है, 2 ही इलायची है, 5-6 काली मिर्च है, और एक छोटा सा सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है. तो ये डाल देते हैं, हल्का सा इसको यूं करते हैं. 1 medium size की प्याज है, ये डाल देते हैं. इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं. 3 मिनट हो गई है इसको. 1 teaspoon जिंजर पेस्ट और 1 teaspoon ही हम इसमें ये गार्लिक पेस्ट डालते हैं. थोड़ा सा इसे भी भून लेते हैं पहले. 1.5 टमाटर हमने दाल में डाल दिया था और 1.5 टमाटर ही हम ये इसमें डाल देते हैं. इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, ये कद्दू भी डाल देते हैं. इससे क्या होगा, ये ऑयल के अंदर फ्राई भी होता रहेगा और गलता भी रहेगा. हमें 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर और 1 teaspoon इसमें कसूरी मेथी डालते हैं. थोड़ी कसूरी मेथी हम बाद में भी डालेंगे. तो ये हम मसालों के साथ भून लेते हैं. 1 हरी मिर्च है, इस तरह से बीच में से खोल के डाल दें. अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे. 100 ml के करीब पानी डाल दिया है. कितना बढ़िया कलर आया है इसमें. और अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं सिर्फ इसी का नमक. दाल का नमक दाल के अंदर मौजूद है, तो इसमें आप 1/2 teaspoon नमक डाल दें. और इसके लिड से इसको कवर करते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देते हैं. अभी हम आपको दिखाते हैं दाल. 5 सीटी आ गई थी इसमें मीडियम फ्लेम में. इसको खोल कर देखते हैं. ज़्यादा पतली दाल मिलती है आपको तो थोड़ा सा थिक कर लें, लेकिन ज़्यादा टाइट मिलती है तो पानी डाल सकते हैं दाल में. कोई भी दाल बना रहे हैं चाहे आप, ये एकदम सही मिली है. इसको थिक करने की भी जरूरत नहीं है और पतला करने की भी जरूरत नहीं है. दाल जब भी आप पकाएं शरीर से दाल के रेशे से दिखते रहने चाहिए. वो एकदम कढ़ी की तरह घुटी हुई दाल अच्छी कभी भी नहीं लगती है. लौकी को पकते हुए पूरे 12 मिनट हो गए हैं, 12 से 13 मिनट हो गए हैं, और ये एकदम से सॉफ्ट यानी कि गल चुकी है लौकी. ये हमें ऐसी ही चाहिए थी. भुन तो पहले ही अच्छे से चुकी है. बस अभी हम क्या करते हैं, इसमें ये पूरी दाल डाल देते हैं. ये देखें, इसको मिक्स कर दें. मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालते हैं ये इमली है. हमने इसको भिगो के छोड़ दिया था. 1 tablespoon के करीब डाल दिया है हमने ये, इसमें पानी भी था. 1 मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना फिर से डालते हैं. वो दाल में घुट चुका है, उसका जायका अलग आएगा. ये जो हम फ्रेश डालेंगे इसका जायका अलग आएगा. 2 pinch कसूरी मेथी डालेंगे, इसका भी जायका एकदम से फ्रेशनेस देगा इसको. और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, 2 pinch कह सकते हैं. तो ये हमारा दालचा, कद्दू दालचा या फिर दूधी दालचा एकदम तैयार है. ये बहुत ही लाजवाब है. इस टाइम आप इसको चखें ज़रूर. आपके मुताबिक नमक नहीं है तो फ़ौरन से डाल दें. मिर्च भी आपके मुताबिक नहीं है तो गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं. इसको कवर करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट. बस इसको इसमें निकाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ेंगे तो ये जो ऑयल सा है ये ऊपर आ जाएगा. इसको हम इसमें निकाल लेते हैं. आप इसको पतला या गाढ़ा बहुत ही आराम से कर सकते हैं. फटाफट निकालते हैं इसे.
तो ये दूधी दालचा जरूर बनाएं आप, हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से बनाएं। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे दालचे को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारे चैनल पर बहुत सारे राइस डले हुए हैं, प्लेन राइस, सिंपल राइस, खिले खिले चावल किस तरह से बनाएं, तो बस उसमें से ही कोई से भी आप चावल फटाफट से बना लें, जरूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।